हेलो ब्रियोन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी जॉब लेकर आ चुका हूँ जिसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग अपने ज़िले के अंदर ही जॉब पा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोल प्लाजा या फिर टोल नाका की तरफ से आ चुकी सुपरवाइज़र के पदों पर बम्पर भर्तियों के बारे में, जहाँ पर ऑलमोस्ट 50 टोल नाका के अंदर सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। अगर आपको टोल नाका या फिर टोल प्लाजा के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको बता दें, आपने कभी न कभी हाईवे के अंदर टोल नाका या फिर टोल प्लाजा को देखा होगा, उसको क्रॉस भी किया होगा। अगर आप बाइक में रहे होंगे, अगर आप ऑटो में रहे होंगे तो आपको पैसे नहीं देने पड़े होंगे, लेकिन अगर आप कार में थे, आप अगर बस में थे या फिर किसी ट्रक को देखा होगा, वो जो है तो टोल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनको पे करना होता है अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पे उन्होंने जब भी क्रॉस किया होगा, किसी न किसी टोल प्लाजा के कर्मचारी ने उनका फास्ट टैग के द्वारा या फिर कैश के द्वारा पैसे काटे होंगे। तो ऐसे ही जो कर्मचारी होते हैं टोल नाका के अंदर, उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र होता है। यानी एग्जांपल के लिए, अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 9 लोग कर्मचारी हैं और एक उनके ऊपर सुपरवाइज़र है जो देख रेख करेगा कि उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं, और सारी की सारी व्यवस्थाओं का देखेगा कि सब सही है कि नहीं। तो आज हम इसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे, टोल नाका सुपरवाइज़र के बारे में। अगर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप सभी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं, आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट है 31 अक्टूबर 2024 की। बिना किसी एग्ज़ाम के केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर आप सभी का चयन होगा। बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन आवेदन करना है। 10th पास आउट है यानी 10वीं पास आउट है तो आप सभी के लिए भर्तियां हैं, आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। अब ध्यान रखिएगा कि सुपरवाइजर की जो पोस्ट होती है उसकी सैलरी अच्छी होती है। एग्जांपल के लिए, अगर टोल में 10 लोग काम कर रहे हैं, 9 लोग अगर कर्मचारी हैं तो 9 से 10 हज़ार रुपये उनकी सैलरी होती है, आप पता भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी 3 गुना, यानी कि अगर 9 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये सैलरी है तो 3 गुना यानी 24 से 25 हज़ार रुपये सुपरवाइज़र की स्टार्टिंग सैलरी होती है। ये काफ़ी अच्छी सैलरी है इंडिया के अंदर स्टार्टिंग की, और वो भी एक ऐसी जॉब में जहाँ पे आप नियर बाई लोकेशन के अंदर सुपरवाइज़र बन सकते हैं। सीधी भर्ती के अंतर्गत सिलेक्शन होगा, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। आगे इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन भी ओपन करके दिखाएंगे और आवेदन करने के प्रोसेस के बारे में भी जानकारी देंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो में आखिरी तक जरूर से बने रहना है। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया, आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। सबसे पहला काम करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। MEP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आपकी ये रिक्वायरमेंट है टोल सुपरवाइज़र की 2024 के लिए। अधिक जानकारी के लिए naukrikhabar.com पे जा सकते हैं, या फिर आपके लिए जो न्यू वेबसाइट बनाई गई है sarkarijob.net, आप लोग इस पे भी विजिट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट 31 अक्टूबर 2024 यानी 31 अक्टूबर तक की देखी गई है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें, आप किसी भी स्टेट से आते हों, आप किसी भी जेंडर से आते हों, आप किसी भी कम्युनिटी कास्ट से आते हों, आपको एक भी रुपए एप्लीकेशन फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो उम्र है वो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 28 साल, और छूट के साथ में 40 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे आपकी वैकेंसी डिटेल है, वेरियस नंबर ऑफ पोस्टें हैं, 50 पोस्टें हैं टोटल। इसके अलावा सुपरवाइज़र की पोस्टें हैं और 10th पास वैकेंसी, अगर आप लोग 10th पास आउट है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं टुडे टॉप जॉब लिस्ट के बारे में। आज की नई नौकरियों की जानकारी यहां पर दी गई है, अपने अपने क्वालिफिकेशन और पसंदीदा डिपार्टमेंट के बेसिस पे जानकारी को देख सकते हैं और इंटरेस्टेड और एलिजिबल होने पर आवेदन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेतन के बारे में। वेतन आपको 25,000 रुपये तक पर मंथ का देखने को मिलता है। देन यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, जहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है, केवल और केवल इंटरव्यू, वो भी बेसिक सा, और आखिरी में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। हाउ टू फिल, कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं, इसकी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको यूज़फुल इंपॉर्टेंट लिंक भी मिलते हैं, जहाँ पर आपको आवेदन करने से लेकर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने तक के लिंक दिए गए हैं। नोटिफिकेशन को
आप यहाँ पे क्लिकर की बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए आपको हम सीधे अप्लाई ऑनलाइन की बटन पे ले चलते हैं, जहाँ पे आप लोग क्लिकर की बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट ही आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा और इस पेज के अंदर आपको A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। यहाँ कॉर्नर में आपको अप्लाई का बटन मिलता है, आप चाहें तो डायरेक्ट ही क्लिकर की बटन पर क्लिक करके या फिर अप्लाई की बटन पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। जॉब ID, सैलरी नॉट स्पेसिफाइड, नंबर ऑफ ओपनिंग 50 है, यानी 50 टोल नाका के अंदर सुपरवाइजर की जरूरत है। यहाँ पे 23/9/2024 यानी 23 सितंबर की पोस्टिंग डेट है और ये जो लास्ट डेट टू अप्लाई 31/10/2024 यानी 31 अक्टूबर तक आपके आवेदन चलेंगे। उसके बाद कंपनी जो आपकी है MEP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड है। इसके बाद जॉब का टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट है, टोल सुपरवाइजर के पदों पर है, सुपरवाइजर की वैकेंसी है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आपका फंक्शन एरिया है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो SSC अगर आप पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप नीचे आते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन भी बताया गया है कि अगर आप 10वीं पास है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अभी की लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, बाद में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्किल और फुल टाइम मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। एक्स सर्विसमैन कृपया करके अप्लाई ना करें, बाकी नंबर ऑफ ओपनिंग 50 हैं। आवेदन करने के लिए आपको एक ID क्रिएट करनी पड़ती है NCS के पोर्टल के अंदर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन करने वाले पेज पे लेकर आएगा, आप इजीली न्यू यूजर साइनअप की बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमारे पास एक पेज आएगा जिसके अंदर यहाँ पे जॉब सीकर से लेकर कई ऑप्शंस होंगे, जैसे एम्प्लॉयर हो गया, स्किल प्रोवाइडर, काउंसलर, प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अभी के लिए आप जॉब सीकर्स हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्टेड रहना है। एक यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन ID आपको सिलेक्ट करनी है। एग्जाम्पल के लिए आप पैन कार्ड या फिर फोन नंबर के माध्यम से भी साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे उसको डाल देना है, ठीक है। ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे। अगर इस वैकेंसी के अंतर्गत आपकी डेट ऑफ बर्थ पाई जाती है तो आप एलिजिबल होंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको स्पीडो को 200 लाइक का टारगेट है कंप्लीट करना है। जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं आपको आवेदन करने का A to Z वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। समय है अभी आवेदन करने के लिए, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको एक चीज़ नोटिस रखनी है कि यहाँ पे आपको जो वेबसाइट बताई गई है नौकरीखबर.com, आपको इस पे आ जाना है। गूगल पे टाइप कर लेंगे नौकरीखबर.com, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नौकरी खबर लिखने के बाद या फिर खबर तक लिख देंगे, आपको हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। .com आपको लगा देना है, बस इतना करना। उसके बाद आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी और लेटेस्ट जॉब के सेक्शन के अंदर आपको इस महीने की सभी जॉब्स की अपडेट मिल जाएंगी और इस जॉब की जानकारी भी आपको वहीं पर पब्लिकली मिल जाएगी। इसके अलावा एक काम और आप कर सकते हैं कि आपके लिए जो सरकारीjob.net बनाई गई है, आप गूगल पे जाएंगे, सरकारी जॉब टाइप करेंगे, उसके बाद डॉट लगाकर आपको NET लिखना है, आपको हमारी ये वेबसाइट भी मिल जाएगी और इस वेबसाइट के अंदर भी हमने इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।